आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर शहीद आजम भगत सिंह, जिन्होंने छोटी सी आयु में देश के लिए बलिदान दिया, शहादत दी, आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने उनकी जयंती अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। आम आदमी पार्टी केवल राजनीति पर नहीं, समाज नीति और सेवा नीति पर विश्वास करती है। शहीद आजम ने इस देश के लिए बलिदान दिया, आज उसी जज्बे और जुनून के साथ आम आदमी पार्टी भी देश के लिए कुछ करना चाहती है। शहीद आजम भगत सिंह जी का सपना था कि इस देश के हर नागरिक को अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, जाति पाति का भेदभाव खत्म हो, सबको समान अधिकार मिले, उसी सपने को सच करने के लिए आम आदमी पार्टी लगातार समाज के साथ खड़ी है, समाज के लिए काम कर रही है। आज सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जनता ने भरपूर सहयोग किया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, बहुत सारी ब्लड यूनिट्स इकट्ठी हुई हैं, इनके लिए सबका धन्यवाद। तो आपको अगर कुछ आइडिया, अभी तक कितने यूनिट जो ब्लड है वो इकट्ठा हो चुका है? लगभग 50 यूनिट ब्लड हो चुका है। कितने का टारगेट आप लेके चल रहे हैं? टारगेट जब तक हम बैठे हैं, लोग आ रहे हैं, स्वयं आ रहे हैं अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेवारी को निभाने के लिए। आज विकास भवन के इस चौराहे पर आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बैठे हैं, आम जनमानस खुद जुड़ रहा है, सभी कार्यकर्ता। लवलीन जी, रक्तदान को लेके आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? बहुत अच्छी बात है, यदि कोई व्यक्ति जो मुश्किल में है, किसी को मेडिकल इमरजेंसी में है, किसी को रक्त की ज़रूरत है, उसकी रक्त की ज़रूरत पूरी हो जाती है और डोनर यही सोच के करता है कि मैं अपना एक सामाजिक दायित्व निभा रहा हूँ, और निश्चित तौर पर ये एक समाज की ज़रूरत है, ये एक तरह का बहुत बड़ा दान है, और उस दान को देकर आत्मिक शांति भी मिलती है, मेरा मानना ये।